क्रोमेटोग्राफी को हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज दो टर्म को सीखेंगे। एक होती है हमारे पास स्टेशनरी फेज। क्रोमेटोग्राफी में ये दो टर्म कॉमनली यूज की जाती हैं, स्टेशनरी फेज। और सेकंड जो टर्म हमने सीखनी है वो है मोबाइल फेज। इन दोनों में देखेंगे क्या फ़र्क है, हम किस तरह पहचान कर सकते हैं कौन सी चीज़ स्टेशनरी फेज होगी और कौन सी चीज़ मोबाइल फेज होगी। सबसे पहले दोनों के ना एक छोटी छोटी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि स्टेशनरी फेज क्या होती है, मोबाइल फेज क्या होती है। अब स्टेशनरी फेज, ऐसी फेज, स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन। स्टेशनरी का अगर लफ्जी मतलब देखा जाए, साकिन कहते हैं, स्टैटिक एक और वर्ड होता है। और मोबाइल का मतलब होता है, मोबाइल जो वर्ड निकला है ना, ये अमूमन हमारे जो मोबाइल, अमूमन सेल फोन को भी मोबाइल कहते हैं। क्यों कहते हैं सेल फोन को मोबाइल? इसकी रीजन होती है कि आप इसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। एक वो पीसीयू वाला होता है, उसको हम मोबाइल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते, अगर आपको कॉल करनी पड़ेगी वहीं पर आना पड़ेगा। लेकिन जो अमूमन हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है उसको मोबाइल कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस की गाड़ी होती है उसको भी मोबाइल कहते हैं। उसको क्यों मोबाइल कहते हैं? क्योंकि वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सिंपल सी बात कहूँ तो मोबाइल वर्ड वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कोई मोशन हो, जहाँ पे आप एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे ले जाए, एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसको हम मोबाइल कहते हैं। और स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी का मतलब होता है जो चीज़ एक ही जगह पे रहे उसको स्टेशनरी कहते हैं। सही, द फेज ये असल में वो चीज़ है, द फेज, फेज कह लें या सब्सटांस कह लें, असल में फेज वर्ड लिख लेके ना वो ये कहते हैं कोई और ही चीज़ आ गई। ये असल में कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी शय हो सकती है। स्टेशनरी फेज जो होती है ये कोई भी शय हो सकती है। दरअसल फेज और सब्सटांस विच कैन नॉट मूव, कैन नॉट मूव, जो हरकत ना कर सके। सही है। और द फेज विच मूव, द फेज विच मूव, विच मूव, जो क्या हरकत कर सके, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मोबाइल फेज। इसको मोबाइल फेज का नाम दे रहे होते हैं। सही। अब सिंपल सी एक बात अभी तक मैंने यहाँ पे गौर कर ली है कि ऐसी चीज़ जो कि मूव ना कर सके स्टेशनरी फेज कहलाएगी, और ऐसी चीज़ जो कि मूव कर सके मोबाइल फेज कहलाएगी। चले, हमने ना एक इस तरह का जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक कॉलम यूज करते हैं इस तरह का, अब हम क्या करते हैं जी, कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज ले रहे होते हैं। सही है। इस कॉलम में आपने सबसे पहला काम यह होता है कि स्टेशनरी फेज को फिल करना होता है। सही। और इस कॉलम को मैंने फिक्स किया होता है किसी भी स्टैंड के साथ, यहां मैंने स्टैंड लगा रखा है ताकि नीचे ना गिरे। सही है। अब इसके अंदर मैंने स्टेशनरी फेज फिल करने से पहले हमने ना यहाँ पे एक कॉटन का प्लग लेके, और कॉटन का प्लग यहाँ पे लगाना होता है। कहाँ पे? सबसे पहला काम ये कॉटन का प्लग लें, उसको लेके आपने यहाँ पे रख देना होता है ताकि जो स्टेशनरी फेज आप ऊपर फिल करें वो ज़्यादा नीचे ना आए। तो मैंने यहाँ पे, यानी कि नीचे आने का मतलब ये है कि सुराख के अंदर ना आए और इससे बाहर ना निकले, बस। और इसके बाद आपने यहाँ पे वो स्टेशनरी फेज, अब स्टेशनरी फेज कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं ये भी देख लेंगे। अब यहाँ पे आपने स्टेशनरी फेज को फिल कर देना होता है। अब स्टेशनरी फेज मैक्सिमम टाइम सॉलिड होता है और बाज दफ़ा लिक्विड भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। सही है। मैक्सिमम टाइम सॉलिड होता है और लिक्विड भी हो सकता है। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम अमूमन जो चीज़ स्टेशनरी फेज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सॉलिड होता है। ये जो चीज़ हमने इस्तेमाल किया है इसको हम कहेंगे ये सॉलिड है, जो भी चीज़ है, और इसको हम नाम देते हैं जी स्टेशनरी फेज है। अब ये स्टेशनरी फेज में, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं स्टेशनरी फेज है, अब जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो ये वाली हैं, हो सकती हैं। पहले नंबर पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सही। इसके अलावा हम जेल यूज़ कर सकते हैं स्टेशनरी फेज के लिए। सही। इसके अलावा सिलिका जेल भी बाज़ दफ़ा कहते हैं जी, सिलिका जेल। सही। और इसके अलावा हम कोई और सॉलिड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सही। ये हम कोई लिक्विड वगैरह भी हम, लेकिन वो लिक्विड यूज़ होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ये बात याद रखिएगा। सही है। ये हमने दो एग्जांपल लिख लिए जी कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका जेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेशनरी फेज के लिए, और ये फेज मूव नहीं करेगी। अब आपने करना क्या होता है, ऊपर से ना एक सॉल्वेंट डाल रहे होते हैं। सही है। आपने क्या करना, ऊपर से एक सॉल्वेंट डालना है। अब देखिएगा
अब जैसे सॉल्वेंट डालेंगे, सॉल्वेंट यहां से मूव करता हुआ यहां पे आएगा, ऐसा ऐसा इन सुराखों से जो पास छोटे छोटे बने होंगे ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा यहां से, सही है। अब ये सुराखों से ऐसा ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है और इसको हम नाम दे रहे होते हैं ये मोबाइल फेज है। अब देखें ये ऊपर की ऊपर से आपने डाला है, ये ऐसा ऐसा ये सुराखों से होता होता बिल्कुल नीचे आ जाएगा, सही है। इसी वजह से हम इसको मोबाइल फेज का नाम दे रहे होते हैं, इसको हम नाम दे रहे क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसलिए हम इसका नाम देते हैं मोबाइल फेज, मोबाइल फेज। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अगर आप कोई भी क्रोमेटोग्राफी करना चाहते हैं तो इसमें यह बात हमेशा याद रखी जाती है कि अगर मोबाइल फेज, मैं यहाँ पर दो चीज़ें लिखता हूँ, सही है, मैं दोनों को मुवाजना करने लगा हूँ, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में, स्टेशनरी फेज। अब दोनों चीज़ें सीख लीजिएगा, सही है। अब नेचर में देखने लगा हूँ कि इनकी नेचर कैसी हो सकती है, इनकी नेचर कैसी हो सकती है, यहां बात करूंगा नेचर की, किस चीज की बात करने लगे हैं, नेचर की। अब नेचर किस हवाले से कहता, अगर मोबाइल फेज आपकी पोलर होगी, मोबाइल फेज सपोज किया अगर पोलर है तो आपकी स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होनी चाहिए, नॉन पोलर होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर मोबाइल फेज आपकी पोलर है, नॉन पोलर है, तो स्टेशनरी फेज बिल्कुल इसके ऑपोजिट होनी चाहिए, नॉन पोलर। तो स्टेशनरी फेज बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी, वो कौन सी होगी, पोलर होगी, वो क्या होगी हमारे पास, पोलर होगी। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, व्हाई, हम दोनों फेज मोबाइल फेज दोनों के दोनों पोलर, मोबाइल फेज भी पोलर ले लें, स्टेशनरी फेज भी पोलर ले लें, क्यों नहीं ले सकते, रीजन व्हाई। अब खुद सोचें, मैं ना इसके अंदर डाल के कोई चीज़ सेपरेट करना चाहता हूँ, सही है, कौन सी चीज़, मैं कहता हूँ जी वो चीज़ थी थोड़ी सी पोलर, एक चीज़ उसके अंदर पोलर है जो चीज़ मैं सेपरेट करना चाहता हूँ, एक उसके अंदर नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। मेरे पास ये मिक्सर है, असल में जो क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल की जाती है वो मिक्सर के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के मिक्सर के सेपरेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैंने इसके अंदर डाल दिया वो मिक्सर, सही है। अब इसके अंदर मोबाइल फेज भी है, स्टेशनरी फेज भी है। अब गौर करते जाइएगा, हमेशा ना पोलर चीज़ें पोलर चीज़ों में सोलेबल होती हैं, या सिंपल बात कहूँ कि पोलर चीज़ों के साथ बॉन्ड बनाती हैं, नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर चीज़ों के साथ बॉन्ड बनाती हैं, उनके साथ अट्रैक्शन होती है, बस सिंपल सी बात ये याद रखिएगा। अब खुद देखें, अगर मैं पोलर और नॉन पोलर दोनों डालता हूँ तो होगा क्या, कि आपकी जो पोलर चीज़ें, मैं दोनों को सेपरेट करना चाहता हूँ, पोलर चीज़ें हैं वो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन रखेंगी, सही। अब स्टेशनरी फेज मूव नहीं करेगी, वो इसके साथ आके जुड़ जाएगी, इस तरह यहाँ पे आके जुड़ जाएगी, यहाँ पे आके जुड़ जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जो के क्या करने, क्या काम नहीं करने देगी, इसको मूव नहीं करने देगी, ये यहीं पर रहेगी। जबकि नॉन पोलर चीज़ें, अगर मैं कहता हूँ जी ये जो हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है ये नॉन पोलर, मोबाइल फेज नॉन पोलर है, सही, तो नॉन पोलर क्या करेगा, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व होने के बाद इसी मोबाइल फेज के साथ आपका नीचे आ जाएगा। अब आपका क्या हुआ जी, नॉन पोलर अलहदा हो गया, पोलर अलहदा हो गया, इस तरीके लिए अगर मैं सपोज करता हूँ जी मैं दोनों स्टेशनरी फेज भी पोलर यूज़ कर ली और मोबाइल फेज भी पोलर यूज़ कर ली, तो होगा क्या कि आपका जो पोलर होगा वो तो पोलर दोनों में हल हो जाएगा, लेकिन नॉन पोलर वैसे का वैसे, यानी कि वो सारे का सारा नीचे एक ही दफ़ा आएगा, ये नुकसान होता है, इसलिए हम एक चीज़ पोलर दूसरी चीज़ नॉन पोलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब एक और बात, मोबाइल फेज जो होता है ये बाज़ दफ़ा इस तरह हमारे पास स्टेशनरी फेज, एक और भी एग्जांपल ले लें, पेपर क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ी होगी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि आपके पास इस तरह पेपर की एक स्ट्रिप लेके इसको टैंक के अंदर लटका देते हैं, ये मेरे पास टैंक है जिसके अंदर हमने इसको हैंग किया हुआ है, और नीचे हम मोबाइल फेज लेते हैं, यानी कोई भी लिक्विड ले लेते हैं जिसके अंदर नीचे से पेपर थोड़ा सा डिप किया होता है, और यहाँ पे हमने कोई डॉट लगाया होता है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, और इस पेपर के अंदर अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो पेपर के अंदर सेलुलोज के मिलने से बना होता है, पेपर आपका सेलुलोज के मिलने से बना होता है, और सेलुलोज में क्या होता है जी, पानी इस तरह इंट्रैप्ड होता है मुख्तलिफ जगह पे, यहाँ पे इंट्रैप्ड है, यहाँ पे इंट्रैप्ड है, यहाँ पे इंट्रैप्ड है। अब ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता,
सही, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो होगा, ये देखिए ये लिक्विड है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल पेपर के अंदर, सही। और ये हमारे पास क्या है, पेपर सेलुलोज का मिलकर बना होता है, सेलुलोज है, सही है। सेलुलोज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट होता है और यही चीज स्टेशनरी फेज के तौर पे काम कर रही होती है। ये किसके तौर पे काम करेगी, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। और यहां देख ले, आपको ये बात पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो पोलर होता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। जब ये पोलर है तो क्या होगा, हमें नीचे जो मोबाइल फेज यूज करनी पड़ेगी, हम नीचे जो मोबाइल फेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो नॉन पोलर होनी चाहिए, मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज हमने कहा था जी एक ऐसी शय है जो कि ऊपर की तरफ मूव करती है, जो मूव करेगी, सिंपल बात। अब यही मोबाइल फेज ऊपर की तरफ इस तरह मूव कर रही होती है, तो यही मोबाइल फेज ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, इसलिए हम इसको मोबाइल फेज का नाम दे रहे होते हैं, सही है। अब यहां पे मैंने दो बातें बता दी हैं कि जो आपकी स्टेशनरी फेज है ये दो तरह की हो सकती है, स्टेशनरी फेज दो तरह की हो सकती है, आपका सॉलिड भी हो सकता है, मसलन सॉलिड की एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका जेल, सही है, एलोमीना भी है, हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एलोमीना, सही, एलोमीना अमूमन चिकनी मिट्टी को कहते हैं, सही। अब सॉलिड के अलावा हमारे पास एक और चीज़ भी स्टेशनरी फेज के तौर पे यूज हो सकती है, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में होती है, सही है, वो लिक्विड होता है, सही, लिक्विड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो कि पेपर के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, वो हमारे पास एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। अब आ जाए यहाँ पे मोबाइल फेज, मोबाइल फेज भी दो तरह की हो सकती है, मोबाइल फेज भी दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है लिक्विड। अब यहां पे गौर करें, यहां पे भी हमने लिक्विड यूज किया, यहां पे भी नीचे हम लिक्विड यूज कर रहे हैं, और एक हमारे पास होती है गैस, और इसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, गैस भी हो सकती है, सही है। लिक्विड जिसके अंदर मोबाइल फेज होगी उसको कहेंगे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और जिसके अंदर गैस हमारे पास मोबाइल फेज होगी उसको गैस क्रोमेटोग्राफी का नाम दे रहे होते हैं। ये दो टर्म थी कि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में, सिंपल बात ये याद रखिएगा, मोबाइल फेज मूव कर सकती है और स्टेशनरी फेज मूव नहीं कर सकती, तो ये दो इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल फेज मूव करेगी, स्टेशनरी फेज मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं मूव कर सकती, क्योंकि वो अपनी जगह पर फिक्स होती है। यहाँ पर देख लीजिए आपके जो सैंड वगैरह अगर आपने यूज़ की होगी तो ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाती है, सही, जिसकी वजह से मूव नहीं कर रहे। लेकिन जब आप ऊपर से सॉल्वेंट डालते हैं वो ऐसा ऐसा नीचे की तरफ आ रहा होता है, जो नीचे की तरफ मूव करता आएगा उसको हम मोबाइल फेज कहेंगे, उसको हम मोबाइल फेज कहेंगे। सेम काम यहाँ पे जी, यहाँ पे लिक्विड जो है एक तो सेलुलोज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल इंट्रैप्ड होते हैं, उसको हम स्टेशनरी फेज का नाम दे दिया है। सेम इसी तरह नीचे हमारे पास लिक्विड ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए हमने कहा ये हमारे पास मोबाइल फेज है। और जो यहाँ पे हम मोबाइल फेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो अमूमन नॉन पोलर होती है। कौन सी होती है, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर में बाद दफा होता है जब हम एक ही नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, सी सी एल फोर ले लिया, उसको यहाँ पर डाल दिया, और बाद दफा मुख्तलिफ नॉन पोलर सॉल्वेंट का मिक्सचर लेते हैं, मसलन बेंजीन, एसीटोन, कैल्शियम, सी सी एल फोर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनका मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर बनाने के बाद सॉल्यूशन बना के हम इसके अंदर डाल देते हैं, तो उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फेज के तौर पर। यही था हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।